बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारे पास 4.10 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी लास्ट एक्सरसाइज है 4 चैप्टर की, सिंपलीफाई विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। हमें इसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने इसमें अप्लाई करना है। जैसे कि आप सबको पता है, यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू। मैं आपको फार्मूला जो है वो वीडियो के शुरू स्टार्ट में बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं फिर एक दफ़ा क्लियर कर देती हूँ। ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने पूरी डिटेल वीडियो फार्मूलाज पर बनाई थी। जो चैनल पर नए हैं वो वहाँ जाके अपने फार्मूलाज देखें, उस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। ठीक है स्टूडेंट्स, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है हमने 4.10 को जो है हम सॉल्व करेंगे। देखा जाए तो ये यहीं पर ही क्लियर हो जाता है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊँगी। अगर देखा जाए तो ये हमारे पास ए है, ए प्लस बी है, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तो डायरेक्ट इसका आंसर हमारे पास निकल सकता है। यहाँ पर अगर मैं आपको डायरेक्ट करके बता दूँ तो ये हमारे पास वाई क्यू प्लस वन ओवर वाई क्यूब जो है वो डायरेक्ट इसका आंसर आ रहा है देर से ही, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास देखें एक्स प्लस वन ओवर एक्स वन ओवर सॉरी वाई प्लस वन ओवर वाई। ठीक है, ये देखें ये पूरा द सम ऑफ स्क्वायर टू टर्म का फॉर्मूला अप्लाई हुआ हुआ। देखें ए स्क्वायर माइनस ए बी वाला, फिर भी कर लेते हैं इसको। यहाँ पर देखें ये हो गया जी ए स्क्वायर माइनस ए, ये हो गया जी बी अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ठीक है, क्योंकि ये ए है और ये बी है। ठीक है, प्लस वन ओवर वाई स्क्वायर। ठीक है, देखिए यही फार्मूला अप्लाई हुआ हुआ है यहाँ पर। यही फार्मूला है ना द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू टर्म का, जो हम पीछे कर चुके हैं। क्या फार्मूला था, ए प्लस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, यही फार्मूला है। ठीक है, ए प्लस बी हो गया और ये स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। देखें अब ये वाई से जो है वाई यहाँ पर कैंसिल हो गया। देखें सेम वही टर्म आ गई जो ऊपर दी गई थी, तो डायरेक्ट भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी स्टेप बाय स्टेप जो बच्चे नए हैं जिन्हें प्रॉब्लम होती है वो स्टेप बाय स्टेप करें। ये हो जाएगा जी वाई प्लस वन ओवर वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, पूरी वैल्यू देखें, ये हमारे पास स्क्वायर के बराबर हो गया है और ये हमारे पास जो है वो वाई तो क्यूब के बराबर आ गया है ना। डायरेक्ट भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर है और ये वन टर्म हो जाएगी तो ये क्यूब हो जाएगा। वाई प्लस वन होल पर क्यूब है, आप इसको ओपन कर कर भी लिख सकते हैं। कैसे जी, वाई क्यूब प्लस वन ओवर वाई क्यूब, जैसे मैंने ऊपर इसको डायरेक्ट यहाँ सॉल्व कर दिया था। सेकंड क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई एक्स प्लस ये। देखिए सेम ये भी वही चीज़ है, अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करें इसको, दोनों तरीक़ों से मैं आपको बताती हूँ। अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं ये हम कह सकते हैं जी ये हमारे पास क्या है एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब। इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये देखिए ओपन हो रहा है। अब आपको पता है जब हमारे पास एक ब्रैकेट में देखें तीन एक्स है, इसी तरीके से है ना, जब पेयर बनता है तो वो रूट से बाहर आ जाता है। ऐसे ही है, जब ये रूट से बाहर आएगा तो हमारे पास सिर्फ एक एक्स बाहर आएगा और रूट के अंदर एक एक्स मौजूद होगा। ये तो आपको टू चैप्टर में क्लियर हो गई थी वाला कॉन्सेप्ट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक एक्स हमारा बाहर आ जाएगा और सिर्फ एक एक्स अंदर रहेगा। सेम वाई में भी ऐसे होगा, एक वाई बाहर आ जाएगा और जो हमारे पास पेयर का वाई था और एक वाई अंदर हो, तो डायरेक्ट भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका एक और तरीका भी है सॉल्व करने का। देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, अंडर रूट एक्स, अगर बगैर फार्मूला के इसको अप्लाई करते हैं, इस पूरी वैल्यू का रिलेशन हमारे इस वाली पूरी ब्रैकेट के साथ है। जब हमने मल्टीप्लाई में आपको मैंने करना बताया था, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना बताया था, अभी हमारे पास जो माइनस का वाई है जिस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होकर भी फाइंड आउट हो जाएगा। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखें ये एक्स है और ये अंडर रूट एक्स है। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स प्लस माइनस माइनस, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, दोनों रूट के अंदर हैं। जब पेयर बनता है तो वो एक रूट से बाहर आ जाएगा और सिर्फ रूट के अंदर हमारे पास क्या बचेगा, वाई। इसको जब वाई से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो हमारे पास वाई बाहर ही रहेगा और अंडर रूट एक्स होगा। ठीक है, अब इसका रिलेशन है, ये एक्स है और ये रूट वाई मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा एक्स अंडर रूट वाई प्लस माइनस माइनस। देखें ये वाई और ये वाई दोनों पेयर के अंदर आएंगे एक रूट में, तो वाई बाहर आ जाएगा एक्स अंदर बचेगा। ये माइनस प्लस माइनस माइनस, ये वाई बाहर आएगा और एक रूट के अंदर वाई होगा। इसी तरीके से देखें ये माइनस का एक्स अंडर रूट वाई इस वाले वाई से कैंसिल हो जाएगा। देखें ये वाला अंडर रूट स्टूडेंट्स, यहाँ भी मिस्टेक है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास एक्स यहाँ पे पॉजिटिव था तो ज़ाहिर है ये भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है,
जब इस एक्स को पूरी एक्स ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर है यहाँ बाई मिस्टेक माइनस था, मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, देखिए अभी प्लस वाला एक्स इस वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा और ये एक्स प्लस वाई अंडर रूट एक्स जो है इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, एक्स रूट एक्स और ये क्या है माइनस वाई रूट वाई। देखें सेम आंसर है, आप इसको फॉर्मूला के ज़रिए भी अप्लाई कर सकते हैं और इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, प्रूफ बाय द फॉर्मूला। इसको भी आपने फॉर्मूला से ही प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। ए प्लस टू ए माइनस टू ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस फोर ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस फोर इज इक्वल टू ए सिक्स माइनस 64। आपने इसको प्रूफ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, की वैल्यू जो है ए सिक्स माइनस 64 के इक्वल है। किस तरह प्रूफ करेंगे अब देखें, इसको सॉल्व करते हैं अपना टाइम ज़ाया किए बगैर। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर है देखें ए प्लस टू, जो हमने पीछे फॉर्मूला अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। अगर मैं कह दूं जी इसको अरेंज कर लें अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ए माइनस टू और ये वाली ब्रैकेट जो है देखें अकॉर्डिंग टू फार्मूला अप्लाई करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्योंकि हमें इसको फाइंड आउट करना है कि पूरी वैल्यू जो बराबर है ए सिक्स माइनस 64 के। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप देखें हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये देखें किसका फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, जो भी मैंने आपको पीछे बताया सेम वही टर्म आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा ये यहाँ पर, लेकिन ये स्क्वायर है और ये क्यूब है, तो किसका फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए क्यूब प्लस, ठीक है स्टूडेंट्स, टू का क्यूब। इसी तरीके से है और ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, ये भी सेम ऐसे ही होगा, ये भी ए क्यूब है हमारे पास और ये भी टू है, तो माइनस का साइन खास ख्याल रखना है, टू क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, बराबर वाली वैल्यू को साथ साथ लिखते जाएंगे। देखिए हमारे पास ये ए क्यूब है और यहाँ पे हमारे पास प्लस टू रूट क्यूब है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये क्यूब को जब हम ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो ये तो ए क्यूब हो जाएगा, टू का क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास, ए टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम आप इसी को भी ओपन करें तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस टू का क्यूब हमारे पास क्या हो जाएगा, एट इज इक्वल टू ए सिक्स माइनस का 64। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ देखें अगेन हमारे पास एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, जो हमने 4.6 में किया था, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जी स्क्वायर और ये भी 8 है, प्लस माइनस माइनस, तो ये भी हो जाएगा 8 का भी हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, पीछे के फॉर्मूला जब तक नहीं आएंगे आगे आगे प्रॉब्लम होती जाएगी, पीछे तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर करें जो मैं पीछे बता चुकी हूँ। 3 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 ए 6 और 8 का जो हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा 64। देखें प्रूफ हो गया, ठीक है, प्रूफ दैट। इसी तरह सेम हम क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी अब हमें बताना है पूरी वैल्यू जो है वो 729x6 माइनस 64y6 के इक्वल है। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फॉर, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये है 3x प्लस 2y, ठीक है स्टूडेंट्स, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड वाला क्या है हमारे पास, 3x माइनस 2y 9x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर वाली वैल्यू के साथ साथ जो है इसके अकॉर्डिंग आप इसमें उतारते रहेंगे। अच्छा देखिए हमारे पास वही सेम वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जो पीछे हमने किया, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी स्टूडेंट्स 3x का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा जी 2y का क्यूब का फॉर्मूला है 3x क्यूब, पॉजिटिव होगा पहले यहाँ पर और सेम यही बराबर वाला ब्रैकेट जो है वो माइनस होगा 3x क्यूब माइनस 2y क्यूब। ठीक है, बराबर वाली जो वैल्यू हमारी थी हम वो साथ साथ यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इसको उतारते रहेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है, ठीक है, 3 का क्यूब हमारे पास क्या होता है जी स्टूडेंट्स 27x क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या होगा हमारे पास 8y क्यूब, ऐसे ही है सेम हमारे पास ये भी 27x क्यूब हो जाएगा और माइनस है बीच में यहाँ प्लस था और ये हो जाएगा 8y क्यूब,
729 xx माइनस 64 वाई सिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास ये सेम है तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा हम माइनस में ले लेंगे, इसको स्क्वायर कर लेंगे हम। ये हो जाएगा 27 एक्स क्यूब होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8 वाई थ्री का भी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट आप साथ साथ जो है अपनी वैल्यूज़ को उतारते जाएं। अब देखें 27 का जब हम क्यूब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 729 और ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 2 6 तो ये हो जाएगा एक्स सिक्स। 8 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64 और वेरिएबल्स की पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो ये हो जाएगा 3 2 6। देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड टाइट के इक्वल ही आई है तो ये भी हमारे पास प्रूव हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4-5 करने लगे हैं हम। फाइंड द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला एल प्लस एम माइनस 2n एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर माइनस एल एम प्लस 2mn प्लस 2nl। अब आपने जो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है, मैं आपको पहले यहाँ फार्मूला बता देती हूँ स्टूडेंट्स, ताकि सही से आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं, अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ठीक है, ए बी प्लस बी प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये ए है, ये बी है और ये कोई भी वेरिएबल्स दिए जा सकते हैं, एक्स वाई कोई भी, उसके फार्मूला के अकॉर्डिंग आपने इसको पुट करना है। आपने समझना है कि ये ए जो है, एल जो है हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी, इसके अकॉर्डिंग ही आपने इसको पुट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पुट करते हैं, ये हो जाएगा एल प्लस एम प्लस मतलब ए प्लस बी प्लस, ये हमारे पास सी हो जाएगा, सी की वैल्यू क्या दी गई है माइनस 2n, इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाया ताकि इशू ना हो। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो हमारे पास n क्या है यहाँ पर देखें, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, देखें अगर ये a है, ये b है और ये c है, इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ ब्रैकेट कर दूँगी क्योंकि बाहर प्लस है ताकि आपको मसला ना हो। माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाएगा ए बी, मैंने आपको बताया है ना, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमने कर लिया। अब माइनस का ए एंड बी, ये ए है और ये बी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा एल एम, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे क्या है हमारे पास बी सी, माइनस का बी सी माइनस बी, हमारे पास क्या है एम और सी है 2n, तो ये हमारे पास हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, बी हमारे पास एम है। ठीक है, आप इसको ब्रैकेट में लिखें क्योंकि जब दो वैल्यूज़ असाइन आ जाती है तो मसला हो जाता है। ठीक है, बी सी। अगला हमारे पास माइनस का ए सी, माइनस ए हमारे पास क्या है एल और सी क्या है हमारे पास 2n। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने क्या करना है, इसको ब्रैकेट में ही लिखना है माइनस का 2n, जो भी प्रॉब्लम होगी ताकि इधर ही हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपने क्या करना है, अगर आप इसको ओपन कर देखें तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी। देखें एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस माइनस हमारे पास जो है, देखें माइनस देखें हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर, अब देखें हमारे पास ये, अगर आप इसको ओपन करते हैं ना, हमारे पास सेम ये ऊपर वाली वैल्यू जो है वो आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखें क्योंकि यहाँ पे माइनस का 2 है, अब आप कहेंगे मिस प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन ऊपर हमारे पास इवन नंबर है, इवन नंबर होता है तो साइन अंदर वाली साइन जो है पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ प्लस 4 का ही स्क्वायर आएगा, 4n स्क्वायर ही आएगा जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखें यहाँ n है, 2 साथ n भी लगाना था क्योंकि ये a है, ये b है और ये c है। ठीक है, अभी पूरी वैल्यू किसके बराबर है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अकॉर्डिंग टू फार्मूला अप्लाई करना। अब इस टर्म को भी हम एल एम एन में पुट कर लेते हैं, तो हम कैसे करेंगे, एल क्यूब प्लस एम क्यूब, अब ब्रैकेट में रख कर करें, फिर बाद में ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, प्लस एन क्यूब माइनस का 2n क्यूब,
क्योंकि हम माइनस इसे सबको हम ब्रैकेट में रख कर करते हैं। माइनस थ्री ए बी सी है, थ्री ए बी सी ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए एल है तो क्या हो जाएगा एल, फिर है एम और फिर एन है माइनस का टू एन। इसकी वजह से हमने इसको ब्रैकेट में रखा है। अगर ये माइनस ना होता तो मैं डायरेक्ट बगैर ब्रैकेट के भी रख के सॉल्व कर लेती। आप इसको खोल लें, एल स्क्वायर प्लस एम सॉरी एल क्यूब प्लस एम क्यूब। देखें अब यहाँ पर हमारा क्यूब जो है और यहाँ नेगेटिव पावर है तो नेगेटिव ही रहेगी, प्लस माइनस माइनस तो टू का क्यूब एट हो जाएगा, एट एन क्यूब। ठीक है, थ्री माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थ्री टू ज़ा सिक्स एल एम एन, ये हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका हम जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है वो आपका होमवर्क है, सेम इसी तरीके से होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर सेवन भी कर लेते हैं और वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उस पूरे चैप्टर का, इसको भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इसके तीन जो है वो पार्ट्स दिए गए हैं। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल क्यूब प्लस एम क्यूब एन क्यूब माइनस थ्री एल एम एन। ठीक है, वैन एल प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू फिफ्टीन, एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल इज इक्वल टू 74। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसका एक पार्ट करेंगे और दो पार्ट आपका होमवर्क है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास अब एल क्यू प्लस एम क्यू प्लस एन क्यू हमने फाइंड आउट करना है। इसमें हमारे पास सिर्फ दो की वैल्यूज़ दी गई हैं। अगर हमारे पास एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर भी मौजूद होता तो हम फार्मूला में रख के इसको पुट कर लेते, लेकिन हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, तीसरी वैल्यू नहीं है। तो पहले हम इसको फाइंड आउट करते हैं। मैं आपको कर कर दिखाती हूँ कि आपने इसको क्या करना है स्टूडेंट्स। सोल्यूशन का वन पार्ट करने लगे हैं हम। एल प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू 15, एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल इज इक्वल टू 74। दो वैल्यूज़ हमारे पास दी गई हैं। देखें एल प्लस एम प्लस एन क्या दिया गया है हमारे पास 15, और एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल हमारे पास कितना दिया गया है 74। वी नो दैट एल प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू 15। टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको और स्क्वायर ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी। 4.8 पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई करना बताया था, तीन टर्म पर आपने कैसे करना है। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। अच्छा जी, इन सब में हमारे पास कॉमन क्या निकल रहा है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हम इसी की वैल्यू हमें मालूम करनी है। यही चीज़ तो नहीं है, अगर ये चीज़ गिवन होती तो हम डायरेक्ट फार्मूला में रख के कर सकते थे, जैसे अभी हमने इसका क्वेश्चन नंबर सिक्स का और फाइव किया और सिक्स आपका होमवर्क है। इनमें हमारे पास टू कॉमन है। देखें, टू कॉमन ले लिया, ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी इज इक्वल टू 225। अब इसकी वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। देखें, एल एम प्लस एम एन एन एल इस फॉर्म में दिया गया है ना हमारे पास। अब आपको इसको इस फॉर्मूला में भी रख कर सकते थे और आप इसको ए बी वाले जो है फार्मूला में भी अप्लाई कर सकते थे, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, अगर आप इसको एल प्लस इसकी फॉर्म में ही करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है, कर कर देख लें। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग लेकर चली गई हूँ मैं इसको, एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस टू एल एम प्लस टू एम एन प्लस टू। अगर आपको कोई भी टर्म दे दी गई, कोई भी वेरिएबल दे दिया गया तो आपने घबराना नहीं है, बस आपने इस फॉर्मूला को अपने जहन में रखना है, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको पुट कर देना है। हमें एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर की जो है वैल्यू ये मालूम करनी है, तो फॉर्मूला था इस वाले स्टेप को आप मिस कर दीजिएगा, क्योंकि हमने जो वेरिएबल दिया गया होता है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है। मैंने फार्मूला आपको बताया तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको ओपन कर दिया, लेकिन आपने एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसको ओपन करना है। यहाँ पर टू कॉमन है तो टू आ गया, एल एम प्लस एम एन प्लस एल एन इज इक्वल टू 225। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मिस कर दीजिएगा जी। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसको मालूम करना है और इसकी वैल्यू जो है वो गिवन है। एल एम प्लस एम एन कितनी वैल्यू दी गई है हमारे पास यहाँ पर 74, तो हमने यहाँ पर 74 लिख दिया तो 225 हो गया। अब इसको आप टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मालूम करना होता है, उसको आपने ऐसे ही उतारते जाना है।
74 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 148। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जिसको मालूम करना है वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, इसको अकेला छोड़ देंगे, इसके बराबर में जो भी वैल्यू है अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, मल्टीप्लाई में होती तो यहाँ डिवाइड में चली जाती, ये तो रूल है। ये हो जाएगा माइनस का 148। जब आप इसको माइनस करेंगे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, आप इसको माइनस कीजिए तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 77। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है। वी यूज़ फार्मूला जो हमने पीछे भी किया, क्या फार्मूला था हमारे पास, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी। ए स्क्वायर, मेरे साथ साथ फार्मूला को पढ़ा करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, अब आप देखें हमने इसको मालूम करना है इस फॉर्मूला को। देखें अब हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन थी, कितने दी थी देखें, एल प्लस एन 15 दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर एम स्क्वायर। आप देखें यहाँ पर भी मैंने ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, आप इसको एन टर्म में भी लिख सकते हैं और इसमें भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास की वैल्यू कितनी है, इसी को तो मैं फाइंड आउट करना था, क्योंकि दो वैल्यूज तो हमारे पास गिवन थी, सिर्फ यही वाली वैल्यू गिवन नहीं थी जो हमने क्या निकाली है 77। माइनस ए बी और उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 74 आई है, सॉरी 74 गिवन है। ठीक है, आज की वैल्यू हमारे पास 74 ऊपर गिवन है, दो की वैल्यू गिवन थी इसकी हमने फाइंड आउट कर ली, तो आप माइनस कर लीजिए 77 में से। जब आप 74 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, 3 आएगा, और बराबर में हमारे पास क्या है 15, मल्टीप्लाई कर लें 15 3 = 45 आंसर। उम्मीद है आपको फोर चैप्टर बहुत अच्छा समझ आया होगा, उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप फोर चैप्टर नहीं करेंगे सही से आपको फैक्टराइजेशन नहीं आएगा, क्योंकि तमाम फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आप फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह 5 चैप्टर स्टार्ट करेंगे नए वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।